उत्तराखंड वन विकास निगम डिपो नंबर 4 में अग्नि प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें फायर विभाग और वन विकास निगम के कर्मियों को अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रशिक्षित किया, जिसमें अग्नि घटना के दौरान अपनी सुरक्षा और आग लगने पर हवा की दिशाओं के अनुरूप कैसे आग पर काबू पाया जा सकता है उसकी जानकारी दी गई। वहीं वन विकास निगम के कर्मियों को मॉकड्रिल करते हुए अग्नि उपकरणों को कैसे प्रयोग किया जा सकता है उसका भी प्रशिक्षण दिया गया। वहीं उत्तराखंड वन विकास निगम की DSM उषा पुरी ने सभी डिपो में पानी का पर्याप्त प्रबंध करने के साथ ही अग्नि उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही फायर सीजन के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों की प्रशंसा की गई। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। विभाग ने हमारे सभी डिपो के कर्मचारियों को अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया और इसमें किस तरह से उनको फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना है मौके पर आग लगने पर उसका प्रशिक्षण दिया गया है। और इससे पहले हमने पूरी फायर कंट्रोलिंग कैसे करनी है वो पहले से निर्देश दिए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, इसीलिए आज तक अग्नि से इसको सुरक्षित रखा जा सका। आगे एक महीना और चैलेंजिंग है, उसके लिए भी सारी तैयारियां की जा रही है। उसी का एक पार्ट था कि आज ये प्रशिक्षण इनको दिया गया, इन फ्यूचर एक महीने के लिए नीति के प्रभारी हम लोगों ने बनाए हैं, उनकी एक टीम बनाई है, उस टीम को काम दिए गए हैं। हर दिन वो टीम जो भी काम करती है उसमें फायर वॉचर भी हैं, प्लॉट फायर बुझाना, ये सारी चीजें उनकी ही जिम्मेदारी है और हर दिन वो काम का विवरण अपना एक रजिस्टर में नोट करते हैं और वीकली वो हमको ऑफिस में जमा करते हैं। हाँ, पानी हम लोगों ने यहाँ पे ट्रैक्टर किराए पे लिया है, टैंकर हमारे पास अपने हैं और टैंक हमारे पास अंडरग्राउंड टैंक है जो भरे गए हैं। इस तरह से पानी की तो पूरी व्यवस्था हम लोगों ने की है। सबसे बड़ी इसमें दिक्कत आ जाती है, अगर उस मानव भूल को हम सुधारने की कोशिश कर लें तो हम आग को कहीं से कहीं हम कम कर सकते हैं और देश की संपदा को संपदा जो है हमारी उसको बचाने में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। जैसे बसों में लोग सवारी करते हैं, यहाँ से जा रहे हैं और बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं और क्या है जंगल के किनारे फेंकती, जंगल के किनारे फेंकने से क्या है वो धीरे धीरे आग जो है एक विकराल रूप धारण कर लेती है, जिससे जो है जंगल को आग लग जाती है, आग पकड़ लेती है। और जैसे जंगलों में लोग बियर पी के घूमने भी चले जाते हैं वहाँ, और वहाँ जो है बियर की बोतल तो पीते हैं, उसके बाद उसको फोड़ भी देते हैं। फोड़ने से क्या होता है, जो ऊपर गर्मी की किरणें होती हैं सूर्य की, वो हवा के उसके बोतल के ऊपर पड़ती हैं और वो एकत्र होकर कहीं भी पत्ते होते हैं उसको आग लगा देते हैं और वो भी आग वहाँ से भी लग जाती है। और क्या है, रगड़न से भी आग लगती है, जो जंगल में सूखे पेड़ होते हैं और हवा में आपस में टकराते हैं और रगड़ खाते हैं, उससे भी आग लगती है। आ गया है यहाँ वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर हैं, जिनका प्रशिक्षण दिया गया है, यहाँ पर आग लगा के उसको बुझाने का तरीका भी बताया गया है। कुछ लोगों को नहीं आता था, उनको भी बताया गया है, अभी इसको इस तरह से प्रयोग में लाएंगे।